हेलो एवरीवन, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बिजली वाले गुरुजी में। मैं यहां पर उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं और टीचर स्टूडेंट से रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करता हूं। इसी क्रम में आज मैं आपको उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में बताऊंगा, जिसमें मैं आपको उनके निकनेम्स बताऊंगा और बताऊंगा कि वो किस फील्ड में प्रसिद्ध हैं। इनमें से एक प्रश्न हर पेपर में जरूर आता है। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम बताऊंगा, जैसे लोकरत्न पंत जी को गुमानी के नाम से भी जाना जाता है, जिया रानी को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है, धरतीपुत्र या हिमपुत्र किसे कहा जाता है, धरतीपुत्र या हिमपुत्र कहा जाता है हेमवती नंदन बहुगुणा जी को, विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी जी प्रसिद्ध हैं विकास पुरुष के नाम से, मौलिक पंडित कहा जाता है नैनी सिंह रावत जी को, देहरादून का सुल्तान कहा जाता है महावीर त्यागी जी को, टिंचरी माई ठगुली देवी को, कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे जी को, गढ़केसरी या गढ़वाल केसरी कहा जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को, हिमालय पुत्र कहा जाता है पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को। पंडित गोविंद वल्लभ पंत उत्तराखंड से भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। उत्तराखंड का वृक्ष मानव कहा जाता है विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को, उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है इंद्रमणि बडौनी जी को, मैती के नाम से प्रसिद्ध हैं कल्याण सिंह रावत, चिपको वुमेन के नाम से प्रसिद्ध है गौरा देवी, सरला बहन के नाम से प्रसिद्ध है मिस कैथरीन हेलिमन, नाक काटने वाली रानी के नाम से प्रसिद्ध है रानी कर्णावती, गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है टीलू रौतेली जी को, अल्मोड़ा की बेटी कहा जाता है आयरन पंत को, गिरदा कहा जाता है गिरीश तिवारी जी को, और शिव प्रसाद डबराल जी का उपनाम है चारण, गौरा पंत उपनाम है शिवानी का, जिम कॉर्बेट का उपनाम है गोरा ब्राह्मण, और काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है हर्षदेव ओली जी को, कुमाऊं का चाणक्य कुमाऊं का शिवाजी कहा जाता है पंडित हर्षदेव जोशी जी को, और कुमाऊं का गांधी कहा जाता है देवकी नंदन पांडे जी को। अब मैं आपको कुछ प्रश्नोत्तर भी बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा ने कौन सा संगठन बनाया था? कालू मेहरा जी ने क्रांतिवीर संगठन बनाया था। कुमाऊं का इतिहास किसने लिखी थी? कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे जी ने जेल में लिखी थी। अभी हमने पढ़ा था बद्रीदत्त पांडे जी को कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है हर गोविंद पंत जी को। प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने काशीपुर में 1914 में प्रेम सभा की स्थापना की थी। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 5। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को भारत रत्न कब मिला? पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को भारत रत्न मिला 26 जनवरी 1957। क्वेश्चन नंबर 6। उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे मोहन सिंह मेहता। क्वेश्चन नंबर 7। अंग्रेजों ने राय बहादुर की पदवी दी शोभन सिंह जीना जी को। 1939 में देहरादून में टिहरी राज प्रजामंडल की स्थापना किसने की? श्रीदेव सुमन जी ने टिहरी राज प्रजामंडल की स्थापना की। तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते किसने कहा था? श्रीदेव सुमन जी ने। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हुआ था कौसानी 20 मई 1900 में। किसके सुझाव पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किया गया? ये थे सुमित्रा नंदन पंत जी। किस रचना के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदम्बरा के लिए पंत जी को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। हिंदी विषय को कर डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। अब क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे। संस्कृत साहित्य के लिए किसे बिना पीएचडी की डिग्री के डीलिट की उपाधि दी गई? डॉक्टर शशिधर शर्मा को 1985 में। रस्किन बॉन्ड निवास करते हैं मसूरी में। डोरा पालकी जैसी कुप्रथा को समाप्त करने में किसकी विशेष भूमिका रही? जयानंद भारती जी ने डोरा पालकी को समाप्त करने में अपनी विशेष भूमिका निभाई। उत्तराखंड में दलितों को शिल्प
शिल्पकार नाम दिलाने में किसने विशेष भूमिका निभाई? मुंशी हरि प्रसाद टमटा जी। चंडी प्रसाद भट्ट को रमन मैग्नेसे पुरस्कार कब मिला? चंडी प्रसाद भट्ट को रमन मैग्नेसे पुरस्कार मिला 1981 में पर्यावरण संरक्षण के लिए। किसने 1981 में पद्मश्री पुरस्कार लेने से इनकार किया? सुंदरलाल बहुगुणा जी। महान चित्रकार गढ़वाल चित्रकला के मौलाराम की चित्रशाला कहाँ है? श्रीनगर में मौलाराम जी की चित्रशाला थी। इंद्रमणि बडोनी किस नृत्य के विशेषज्ञ थे? चौफला केतार नृत्य। इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है। भीमताल में अपने प्रयासों से किसने लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की? यशोधर मठपाल जी ने। राज्य में ढोल सागर के अकेले ज्ञाता हैं उत्तम दास। एनोफिलीज मच्छर की खोज पर 1902 में नोबल पुरस्कार पाने वाले सर डोनाल्ड रास का जन्म 1857 में हुआ था अल्मोड़ा जिले में। अल्मोड़ा में थोड़े से उपकरणों की सहायता से प्रकाश मिति पर शोध करने वाले वैज्ञानिक थे देवी दत्त पंत जी। पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक हैं नीलांबर पंत। यह इसरो से संबंध रखते हैं। न्याय की देवी कहा जाता है जिया रानी को। नाक काटने वाली कर्णावती रानी किसकी पत्नी थी? रानी कर्णावती गढ़वाल नरेश महापति शाह की बेटी थी। राज्य से प्रथम महिला सांसद कमलेंदुमती शाह जी बनी। भारत की पहली महिला मेजर मेजर जनरल माया टमटा है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक दीजिएगा। यदि आप किसी की मदद करना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और आगे आने वाले ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।